सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद है, अभी बैठक लेकर आ रहे हैं। सर, किस तरह की बैठक थी और क्या कुछ सजेशन है? हमारे मध्य प्रदेश का जो लघु उद्यमी है उनकी लघु उद्योग निगम से संबंधित कुछ परेशानियां थी कि जो टेंडर्स हो रहे हैं या जो कंडीशंस लगाई गई हैं, जो पॉलिसीज बनी है, इससे मध्य प्रदेश के जो लघु उद्योग वाले हैं उनको बेनिफिट कम और स्टेट के बाहर के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। ये बड़े स्तर के बाहर के उद्योगपति आ जाते थे और सबसे कम रेट जिसको हम L1 कहते हैं, तो L1 में वो लोग बहुत कम रेट डाल के और मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति हैं उनको आउट कर देते थे। और फिर बाद में ये भी शिकायत आ रही थी कि खराब माल सप्लाई करते हैं क्योंकि उस रेट में सप्लाई हो नहीं पाता था अच्छा क्वालिटी का माल। तो ये सारी प्रॉब्लम थी मध्य प्रदेश की, तो उसके लिए हमने सजेशन इन्वाइट किए थे। आज सारे उद्योगपतियों को बुलाया था, मध्य प्रदेश के सारे औद्योगिक संगठन के लोग भी आए थे, उनके सजेशंस दिए कि आप लोग किस किस प्रकार से चेंजेस चाहते हैं जिससे मध्य प्रदेश के लघु उद्योगपतियों का, सूक्ष्म उद्योगपतियों का, मध्यम उद्योगपतियों का और मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योगों का बेनिफिट हो सके। तो आज सारे सजेशंस लिए गए और ये आश्वस्त मैंने किया सर कि 15 दिन के अंदर इस पे हम और हमारी सरकार क्या कार्य कर रही है और किस किस चीज़ को हमने आपके सम्मिलित कर लिया है वो सारा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लॉस का और फिर इनके सामने रखेंगे। तो इनसे बोलेंगे कि बताइए जो आप चाह रहे थे वो सब हो रहा है, हो गया या नहीं, अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको सम्मिलित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य, सरकार का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मध्य प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों और बढ़े और जो पहले के चल रहे हैं जो सिक इंडस्ट्रीज हैं वो भी वापस खड़े हो जाए। जैसे लघु उद्योग निगम की जो छवि है भ्रष्ट छवि है, कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, उसको इस छवि को आप कैसे तोड़ें? देखिए, ये छवि बनाने और बिगाड़ने का काम तो हमारे मीडिया के भी लोग कर देते हैं। ऐसा तो मेरे को तो कुछ देखने को नहीं मिला, मैं तो 6 महीने से इस विभाग का मंत्री हूँ और निरंतर जितनी पारदर्शिता हो सकती है विभाग में, टेंडरिंग में, सप्लाई में, ऑर्डर्स में, जो लघु उद्योग निगम में जितनी पारदर्शिता अभी पिछले 6-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कर दी गई है, ऐसा कभी नहीं था। और अन्य विभाग भी देखें तो अन्य विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा स्पष्ट कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी अगर किसी में है तो अब लघु उद्योग निगम में। छवि बोलने से बनती है, बिगड़ती है। आप अगर किसी को बुरा बोलना ही चालू कर दोगे तो बुरा ही रहा आएगा, लेकिन किसी एक आध दो के मामले के कारण आप पूरे विभाग को अगर भ्रष्ट और बदनाम करोगे तो उचित नहीं। एक विभागीय सवाल है, कई इस तरह के सवाल उठते रहे कि कई अधिकारी यहाँ बरसों से जमे हुए हैं, उनका एक कमीशन खोरी का एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है, इस पर भी आपका ध्यान? देखिए, जो लघु उद्योग निगम के अधिकारी हैं, जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, जो PWD के अधिकारी हैं, जो PWD का अधिकारी तो PWD में ही रहेगा, उसको हम उठा के MPP में नहीं कर सकते। तो लघु उद्योग निगम एक छोटा निगम है हमारा, कोई बहुत ज़्यादा अधिकारी भी नहीं है, तो सीमित अधिकारियों की संख्या, उन्हीं से हमको काम चलाना है। तो अब जो अधिकारी उससे निगम के अधिकारी हैं उनसे निगम का ही काम कराया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर आप बात करते हो तो उनके भी प्रभारों में निरंतर समय समय पर परिवर्तन किया गया है। कोई परचेजिंग में था तो उसको सिविल में भेज दिया गया, कोई सिविल में था उसको अन्य जगह बैठा दिया गया है। तो अब इसमें पूरी पारदर्शिता आ गई है, अध्यक्ष जी के आने के बाद से काफ़ी परिवर्तन आया। वो परिवर्तन आप लोग जब देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष को ही हर चीज़ की जवाबदारी नहीं डाली जा रही है। जी, एक बहुत शुक्रिया संजय पाठक जी। तो कहने के LUN को लेकर तमाम जो भ्रांतियाँ हैं उसको लेकर सिरे से नकार दिया गया है और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है मंत्री जी की तरफ से कि जल्द ही व्यवस्था और भी बेहतर की जाएगी। कैमरामैन इकबाल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।